नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि कोरोना वायरस की रफ्तार ने दिल्ली में तोड़े सारे रिकॉर्ड, नए केस के मामले में मुंबई को भी छोड़ दिया पीछे। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 1.68 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में COVID-19 का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है और राष्ट्रीय राजधानी ने दैनिक संक्रमितों के मामले में मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना के कहर के आगे सरकार बेबस, बोर्ड की परीक्षाएं टालने का हो गया है ऐलान। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2021 के मद्देनजर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टालने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जून में होगी और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा मई के अंत तक कराई जाएगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के मुताबिक जल्द ही बोर्ड की परीक्षाओं की नई डेट शीट का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर 30 जून तक नहीं किया है ये काम तो चुकाना होगा भारी जुर्माना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने भी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। अगर आपने आधार के साथ अपना पैन लिंक नहीं किया है तो आपको न केवल 1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बता दें कि ये तारीख 31 मार्च 2021 की डेडलाइन से बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मार्च महीने में बढ़कर 5.52% हुआ खुदरा महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा बना बड़ा कारण। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.52% दर्ज हुई है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई दर में तेजी आई है। सोमवार को सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के आधार पर खुदरा महंगाई फरवरी में 5.03% पर रही थी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, CM योगी बोले कि गलत फहमी में न रहें। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को जिलों के अफसरों को काफी सख्त लहजे में चेताया है। उन्होंने कहा कि गलत फहमी में न रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की कमी की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी कर लें, आवश्यकता के अनुसार निजी अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि स्टेशनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़, तो शुरू कर दी गई मुंबई से यूपी बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक पुणे से बिहार के भागलपुर और दानापुर के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सोमवार से शुरू कराया गया। इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के बाद ही यात्री सफर कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय भारद्वाज ने कही ये बड़ी बात, 10वीं और 12वीं के छात्र रहे अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि CBSE के परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने कहा है कि एग्जाम में स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए 5,000 से 7,000 सेंटर बनाए गए हैं। हर सेंटर पर कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कर्मचारियों को 5 की जगह हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, क्या मोदी सरकार बदलेगी ये नियम। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन का वैतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकती है, यानी कि अब आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही नौकरी पर जाना होगा, बाकी 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान की 8वीं किस्त कब आएगी, लाखों किसानों को इस वजह से अभी तक 7वीं ही नहीं मिली। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि 8वीं किस्त कब मिलेगी और कहां लटकी है। इसके अलावा कुछ और सवाल उन्हें हर बार परेशान करते हैं कि जैसे इस बार खाते में 2000 रुपए आएंगे भी कि नहीं, पीएम किसान किस्त की नई लिस्ट में नाम कट तो नहीं गया है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि सोने चांदी की कीमतों में फिर से आई है बड़ी गिरावट, जानिए क्या है आज का भाव। दोस्तों, आपको बता दें कि कमजोर वैश्विक संकेतों से दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 57 रुपए की गिरावट के साथ 46,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि चांदी का भाव भी 270 रुपए की गिरावट के साथ 66,043 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लगातार 13वें दिन भी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि मार्च में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी, लेकिन इससे पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल के रेट 16 बार बढ़े थे। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 26 दिन बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि आज लगातार 13वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि पेट्रोल दिल्ली में 90.56 रुपए, जबकि मुंबई में पेट्रोल 96.98 रुपए, कलकत्ता में पेट्रोल 90.77 और चेन्नई में पेट्रोल 92.58
₹60 पर बिका। दोस्तों इन सभी खबरों के बीच आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भोपाल में लग गया है कंप्लीट लॉकडाउन, जानिए कब तक रहेगा लागू। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। कंप्लीट लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। कार्यालय कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी भोपाल ने कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ समय से भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, क्या देश में भी लगेगा लॉकडाउन? 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेज हो चुका है। आज संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आए और इसके बाद अब कुल संख्या बढ़कर 1,45,27,717 हो गई है। इसके बाद लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे, लॉकडाउन लगाने पर विचार भी करेंगे। ये बैठक बुधवार शाम 6:30 बजे होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी थी कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी बड़ी तेजी से हमारे देश में एक बार फिर से बढ़ रही है, ऐसे में जब जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं और बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर 30 जून तक नहीं किया है ये काम तो चुकाना होगा भारी जुर्माना। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। अगर आपने आधार के साथ अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको न केवल ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा, साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये तारीख 31 मार्च 2021 की डेडलाइन से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आधार नंबर को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, सीएम योगी बोले गलतफहमी में न रहें। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सोमवार को जिलों के अफसरों के साथ काफी सख्त लहजे में उनको चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में न रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी करें, आवश्यकता अनुसार निजी हॉस्पिटलों को मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिले में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान की 8वीं किस्त कब आएगी, लाखों किसानों को इस वजह से अभी तक 7वीं भी नहीं मिली। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान की किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर पेमेंट फेल हो गई हो तो किस्त आने में लेट हो सकता है। मसलन कि अगर आपका आधार नंबर या अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में किसी भी तरीके की कोई गलती हो तो आप किस्त आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसी गलती आपको पता है कि हो गई है तो आप घर बैठे ही इसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा। अगर आपका केवल नाम गलत होगा यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि स्टेशनों में बढ़ी यात्रियों की भीड़ तो शुरू कर दी गई मुंबई से यूपी बिहार के लिए समर स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत सेंट्रल रेलवे पुणे ने बिहार के भागलपुर और दानापुर के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करा दिया है। साथ ही पश्चिमी रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक पुणे से बिहार और भागलपुर और दानापुर के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सोमवार से शुरू कराया गया। इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के बाद ही यात्री सफर कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के कहर के आगे सरकार बेबस, बोर्ड परीक्षाएं टालने का हुआ ऐलान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टालने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जून में होगी और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा मई के अंत तक कराई जाएगी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के मुताबिक जल्दी बोर्ड परीक्षाओं की नई डेट शीट का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लगातार पिछले 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में ज्यादातर लोगों की राय तो यही है कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए। सूत्रों की माने तो इस लॉकडाउन में व्यापारी तबके को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कर्मचारियों को 5 की जगह हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, 3 दिन की मिलेगी छुट्टी, क्या मोदी सरकार बदलेगी नियम? दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकती है।
सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को HR पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक का कर दिया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 6ठी और 7वीं के बच्चे अब सीधे होंगे अगली कक्षा में प्रमोट, राजस्थान बोर्ड का फैसला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस साल 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को सीधे ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा कर दी है। यानी कि 6ठी कक्षा के बच्चे सीधे ही प्रमोट होकर 7वीं कक्षा में जाएंगे और 7वीं कक्षा के बच्चे सीधे प्रमोट होकर 8वीं कक्षा में जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस आदेश को जारी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर, इस बार बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहे संक्रमण, कैसे बचाएं उन्हें। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते रविवार को करीबन 1,69,000 केस सामने आए, जबकि 904 लोगों की मौत भी हो गई। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पहली लहर में देखा गया था कि बीमार और बुजुर्ग ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, वहीं दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। चूंकि वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए ये युवाओं को भी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बच्चों को बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें घर में व्यस्त रखें, इसके अलावा घरेलू उपाय करते रहें। ऐसे में बच्चों को पानी उबाल कर दें, इसके कई फायदे हैं। अगर गले में श्वास नली में वायरस कहीं भी होगा तो वो कमजोर हो जाएगा। कहीं कुछ बलगम भी फंसा होगा तो वो पतला होकर निकल जाता है। स्टीम लेने से फेफड़ों की एक तरह से सफाई हो जाती है। तो दोस्तों इस कोरोना की दूसरी लहर में अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसका खास ध्यान रखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में आज रात से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, जाने क्या होंगी पाबंदियां। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से ही रात का कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको बता दें कि ये अगले आदेश तक लागू रहेगा। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये निर्णय राज्य में हाल में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को हरियाणा में COVID-19 संक्रमण से 16 मरीजों की मौत होने की सूचना मिली थी, जिससे कि राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 3,268 हो गई है। वहीं COVID-19 के 3,440 नए मामले भी सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,16,881 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कठोर लॉकडाउन लगा तो नौकरियों में फिर होगी भारी छटनी, बेरोजगारी दर 8.6% पर पहुंची। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर देश में कठोर लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों में एक बार फिर से छटनी हो सकती है। देश में 11 अप्रैल को समाप्त हफ्ते में बेरोजगारी दर भी बढ़ गई है, जो 8.6% पर पहुंच गई है। 2 हफ्ते पहले ये दर 6.7% थी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 1,69,914 मामले आए। इसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां 63,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। इसके बाद दिल्ली, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब कोरोना के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। यहां पर अब कुल 1.35 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर की मार राज्यों के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ रही है। उन्हें न चाहते हुए भी सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारियां करनी पड़ रही हैं। इससे भी रोजी रोटी पर नया संकट पैदा हो गया है। कई शहरों में तो प्रवासी मजदूर ट्रेनों में खचाखच भरकर अपने गांव वापस लौटने लगे हैं, जो ये बताता है कि उनके समक्ष अब नौकरी का संकट उत्पन्न हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और कोंकण गोवा के कुछ भागों में बादलों की गर्जना संभव है। हीट वेव सौराष्ट्र और कच्छ में 1-2 स्थानों पर बनी रह सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।